नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना रंजन, आपको हर खबरों से कराऊंगी रूबरू। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। उत्पाद विभाग की टीम ने कार सहित 31 कार्टन विदेशी शराब पकड़ी, मौके से धंधेबाज फरार। सदर थाना पुलिस ने गोबरसही चौक के समीप से चोरी की ऑटो के साथ अंतर जिला चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। भवानी हॉस्पिटल में कर्मचारी पंकज की हुई हत्या मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर छात्र रालोसपा ने कैंडल मार्च निकाला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। और एसएसपी हरप्रीत कौर के प्रति अमर्यादित बयान देकर मुश्किल में फंसे सांसद पप्पू यादव, सांसद के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बोचहा के राशि गांव से कार पर लदे 31 कार्टन विदेशी शराब के बरामद कर जब्त किया, जबकि धंधेबाज शराब लदी कार छोड़कर भाग गया। जिला उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बोचहा थाना क्षेत्र के राशि गांव से अहले सुबह इंडिगो कार से 31 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया, मौके से कारबारी फरार हो गए। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से बड़ी खेप कार द्वारा आ रही है। इसी के आधार पर बोचहा के राशि गांव में उत्पाद की टीम ने नाकेबंदी कर रखी थी। जैसे ही इंडिगो कार आई, चारों ओर से घेर लिया। उत्पाद विभाग की पुलिस को देखकर चालक कार को छोड़कर फरार हो गया। मौके से 31 कार्टन शराब को जब्त किया गया। सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अंतर जिला चोर गिरोह के 5 सदस्यों को चोरी कर ऑटो अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया। अंतर जिला चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गुप्त सूचना पर छापेमारी कर सदर थाना ने गिरफ्तार किया है। मंगलवार को सदर थाना को सूचना मिली थी कि गोबरसही चौक पर अंतर जिला चोर गिरोह के सदस्य चोरी की योजना बना रहे हैं। सदर थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने दलबल के साथ छापेमारी कर 5 युवकों को गिरफ्तार किया। युवकों के पास से 10 पुरिया गांजा, 4 मोबाइल फोन, 1 ऑटो और शटर तोड़ने का सामान बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अंतर जिला चोर गिरोह के सदस्य चोरी की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोर पटना और दानापुर के रहने वाले हैं। वहीं इनके निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। बाकी सदस्यों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कई बार सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी या क्योंकि ऑटो से जा रहे हैं। कुछ सूचना के आलोक में छापेमारी किया गया तो शाही के पास एक ऑटो को पकड़ा गया, जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे। ऑटो को तलाशी लिया गया तो 2 व्यक्ति के पास से गांजा बरामद किया गया और ताला तोड़ने का सामान बरामद किया गया है। 5 व्यक्ति या के दानापुर के पटना जिला के रहने वाले हैं और गाड़ी के पास बरामद की गई जो चोरी के रखता है। सर, पूछताछ की जाने पर क्या पता चला? पूछताछ जारी की है, जारी पूछताछ। सांसद पप्पू यादव द्वारा एसएसपी के प्रति दिए गए अमर्यादित बयान के विरोध में एसएसपी के छात्रों ने नगर में आक्रोश मार्च निकाला। साथ ही 14 सितंबर को यहां होने वाले जपा के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सांसद पप्पू यादव द्वारा दिए गए एसएसपी पर बयान के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्र संघ इकाई वीएसएस ने मंगलवार को पैदल मार्च निकाला। मार्च विश्वविद्यालय से निकलकर कलमबाग चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां छात्रों ने पप्पू यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीएम को मांग पत्र सौंपा। छात्रों ने डीएम से मांग किया कि सांसद पप्पू यादव के किसी भी कार्यक्रम का जिले में अनुमति नहीं दिया जाए। साथ ही छात्रों ने सांसद पप्पू यादव से माफी मांगने की भी मांग की। बीते 6 सितंबर को सवर्णों द्वारा भारत बंद के दौरान पप्पू यादव ने खबड़ा में बंद समर्थकों द्वारा हमला की बात कही थी। इसी मामले में सांसद पप्पू यादव ने एसएसपी पर मीडिया को लव लेटर लिखने का बयान दिया था। जो भारत बंदी थी दरमियान पप्पू यादव खबड़ा तक आया और वो तथा कथित आरोप लगाया कि सवर्णों के द्वारा हमें मारा पीटा गया, जाति पूछ के मारा गया। जो मीडिया ने पर्दाफाश किया कि ऐसी घटना नहीं हुई, पप्पू ने घड़ियाली आंसू बहाया। हम सभी लोग उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि स्थानीय एसएसपी जो हमारे हत्या में शामिल है, जो कि कहीं से इस बात का उन्होंने पुष्टि नहीं करवा पाया। यह मामला क्या है, मांग आप लोगों का? पप्पू यादव ने महिला एसएसपी जो हमारे स्थानीय महिला एसएसपी है उनके प्रति जो अभद्र टीका टिप्पणी किए हैं, उस बात को वो वापस नहीं लेते हैं, तो हम लोग का आंदोलन
आगे भी जारी रहेगा। एसएसपी के प्रति अमर्यादित बयान देकर सांसद पप्पू यादव बुरी तरह फंस गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अजय पांडे ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कराया है। 6 सितंबर के भारत बंद के दौरान अपने ऊपर हुए हमले के प्रकरण को लेकर मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव द्वारा मुजफ्फरपुर के एसएसपी के प्रति अमर्यादित बयान दिए जाने के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अजय पांडे ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ सीजीएम की अदालत में मुकदमा दायर कराया है। दायर मुकदमे में एक सदस्य द्वारा महिला आईपीएस अधिकारी के प्रति दिए गए अमर्यादित बयान को अपराध करार देते हुए वादी ने अदालत से अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन मधेपुरा सांसद के द्वारा हमारे महिला एसएसपी हरप्रीत कौर पे का चरित्र हनन का प्रयास किया गया है और अमर्यादित भाषा बोलकर, जिससे पूरा मुजफ्फरपुर की जनता मर्माहत है, जिसके खिलाफ मैंने सीजीएम माननीय न्यायालय सीजीएम के यहाँ एक परिवाद दायर किया है। और राजेश रंजन का आदत सा बना हुआ है, उनकी आदत सी बनी हुई है कि महिलाओं का चरित्र हनन करना उनका अधिकार हो गया है। वह महिला सुरक्षा योजना में पदयात्रा में नहीं है, महिला चरित्र हनन यात्रा में है। वह कुछ दिन पहले मोतिहारी में उन्होंने कहा था, कस्तूरबा विद्यालय की लड़कियां सुबह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिछावन से गायब रहती है। बिहार के पूरे कस्तूरबा विद्यालय में 56,000 लड़कियां पढ़ती है, सबका चरित्र हनन करने का प्रयास किया है। यह व्यक्ति चरित्र जानता ही नहीं, संस्कार इसमें है ही नहीं। मैं निवेदन है पप्पू यादव से, पहले संस्कार सीखो, संस्कार क्या होता है, और उसके बाद आप भाषा की बोलिएगा, किसी का हनन कीजिएगा, और नहीं तो जनता आपको सिखा देगी संस्कार क्या होता है। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव का पुतला जलाया और रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव द्वारा मुजफ्फरपुर के एसएसपी हरप्रीत कौर के प्रति अमर्यादित बयान दिए जाने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सांसद पप्पू यादव का छाता चौक पर पुतला जलाया और रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजयुमो कार्यकर्ता ने कहा कि सांसद पप्पू यादव को एसएसपी से माफी मांगनी होगी, अगर सांसद ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी के साथ खबरा में, उन्होंने बयान दिया, अव्यवहारिक बयान जो उन्होंने दिया हमारे पुलिस प्रशासन के खिलाफ, और कहा कि खबरा में हमारी पिटाई की गई, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, ऐसी कोई भी घटना उनके साथ नहीं घटी। उन्होंने संसद की मर्यादा का अपमान किया है, उन्होंने एक सांसद को ऐसी अमर्यादित भाषा का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनका प्रयोग उन्होंने किया। और हम अपने पुलिस प्रशासन के समर्थन में, अपने मुजफ्फरपुर पुलिस के एसपी के समर्थन में, हम लोग यहाँ युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज उनके समर्थन में खड़े हैं, और हम अपने सांसद पप्पू यादव जी का विरोध करते हैं। 9 सितंबर को जो घटना घटित हुई और उस दिन पप्पू यादव जी का मुजफ्फरपुर आगमन, जो बिना किसी सूचना के, ना प्रशासन को सूचित है, ना उनके पार्टी के किसी वर्कर को सूचित है, और वो बंदी के शिकार होते हैं और ये जिला प्रशासन पे वो आरोप लगाते हैं। राजनीति में सब जायज है, आंदोलन भी जायज है, आरोप भी जायज है, लेकिन यह एक नारी के सम्मान सांसद को जिस प्रकार करना चाहिए उसे उतना ही अपमानित करने का काम मुजफ्फरपुर एसएसपी को किया है, और हम सबों की मांग है कि वो जल्द से जल्द वो माफी मांगे, वरना भाजपा इसके लिए मनरेगा वाच के संयोजक संजय सैनी को हत्या के एक मामले पर फंसाए जाने को लेकर मनरेगा मजदूरों ने डीएम और एसएसपी कार्यालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन कर समाहरणालय में धरना दिया। मनरेगा वाच कर्मी संजय सहनी को फंसाने के खिलाफ मनरेगा वाच की महिलाओं ने जिलाधिकारी एवं एसएसपी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। मनरेगा वाच की महिलाएं सबसे पहले समाहरणालय गेट पर प्रदर्शन करते हुए एसएसपी ऑफिस के बाहर घंटों प्रदर्शन करने के बाद धरनास्थल पहुंच धरने पर बैठ गई। मनरेगा वाच कर्मियों का आरोप है कि कर्मी संजय सहनी को पुलिस द्वारा जबरन इस केस में फंसाया गया है। मनरेगा वाच कर्मियों का कहना है कि कुढ़नी प्रखंड के किशुन बलरा गांव में शिवलाल शाह नाम के व्यक्ति का हत्या कर शव को जलाने का आरोप है, जबकि संजय सहनी 20 दिनों से रांची में था, इसके बावजूद इसे जबरन फंसाया जा रहा है। जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं मिलेगा, इन महिलाओं ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
गरीब मजदूर की मनरेगा आवाज के आदमी वो गांव में कभी टपा नहीं, उस गांव में गया नहीं, उसका पर फर्जी केस कर दिया। मंदेश्वरी देवी थाना में गया, उसको बैठा लिया, 12 घंटा बैठा लिया उस थाना में, और गरीब मजदूर के शोषण कर रहा है। बोस सिंह बोला है कि 4 लाख रुपया देगा, तुम मनरेगा के तरफ से केस लिखाओ। जबरदस्ती महिला के बोला करके केस लिखवाया है कुबोस सिंह, बोल रहा है कि तुम नहीं केस, झूठ बोलेगा तो तुमको बाय बाय करके सबके गोली मार करके खत्म कर देंगे। लड़का मर गया बीमारी से, बीमारी से मर गया, जो कायदस हुआ पखाना हुआ गस्ती रहा समझे, जाए जाए गाड़ी पर से उठा कर जाए जाता आधा पारा में मर गया समझे। हुआ से अली तो 12:30 लड़का मर गए, अली तो 5 बजे लड़का फुकाल जात कुटुम आकर सबको मिलकर समझे, जात कुटुम अलग फुकाल समझे। तक बाद में रात में कुमो सिंह आकर कहिए हे दुर्गा के मंगवा ले, हम कहू से कह हम पनै ले मुरियती गिरा ले, बैठ खटिया पर बैठ खटिया पर बैठ, हम कहलू से ली 4 लाख रुपया मिलत आ एगो हमारा आदमी के सौ है से हो कही, अरे बोलही ना ये बोलही ना ये बोलही ना बोलही ना 4 लाख रुपया मिलत। किस पे केस करवाया है कुमोद सा? मीनापुर के हरशेर गांव में 50 लोगों का रास्ता रोके जाने के विरोध में लोक चेतना दल के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय में धरना दिया। मीनापुर प्रखंड के हरशेर दक्षिणी पंचायत के 50 लोगों को आवागमन के लिए रास्ता देने, मध्य विद्यालय का भवन व शौचालय निर्माण कराने को लेकर लोक चेतना दल ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। मंगलवार को लोक चेतना दल ने मांगों के समर्थन में पहले शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां दल के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद दल ने धरना दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार ने कहा कि हरशेर दक्षिणी पंचायत के लगभग 50 लोगों को आवागमन के लिए रास्ता नहीं है, बार बार डीएम के आवेदन दिया जाता है लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। वहीं हरशेर गांव के मध्य विद्यालय में भवन नहीं है, विद्यालय में शौचालय नहीं है, डीएम से मांग किया कि विद्यालय का भवन व शौचालय निर्माण अविलंब निर्माण कराया जाए। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सकिंद्र कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकार गरीब विरोधी है, इसका बदला जनता अगले विधानसभा चुनाव में लेगी। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, सरकार बढ़ते अपराध पर लगाम लगाए। धर्मपुर है मीनापुर क्षेत्र में, आपको उसमें 10 नंबर वार्ड में सैकड़ों गरीब परिवार हैं, जिनका रास्ता जो है कुछ दबंगों के द्वारा दीवार बना करके रोक दिया गया है। बच्चों को स्कूल जाने में पढ़ने में कठिनाई होती है, लोगों का जीना दुभर हो गया हुआ है। प्रशासन को खबर करने के बावजूद भी इसके विरुद्ध जो है कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। आपको मीनापुर के हरशेर गांव में कुछ विद्यालय में जो है गड़बड़ी चल रहा था, उसके विषय में भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, अभी जो होना चाहिए सो नहीं हुआ है। यूजीसी और विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय में 86वां ओरिएंटेशन कोर्स का भव्य समारोह के बीच शुरुआत हुई। यूजीसी एवं मानव संसाधन विकास केंद्र बिहार विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को विश्वविद्यालय एकेडमिक स्टाफ कॉलेज सभागार में 86वां ओरिएंटेशन कोर्स की शुरुआत की गई। भव्य समारोह के बीच कुलपति डॉ. अमरेंद्र नारायण यादव सहित अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। ओरिएंटेशन कोर्स के उद्घाटन सभा को नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर आर.के. सिन्हा एवं रूसा पटना के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर झा ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। यूजीसी का HRDC है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, जिसको पहले एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कहा जाता था। तो इसका उद्देश्य है कि जितने भी यहाँ टीचर ज्वाइन करते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उनको एक साल जब सेवा का हो जाता है तो उनको पढ़ाया जाता है, कोर्स कराया जाता है, तो एक ओरिएंटेशन कोर्स उसको बोलते हैं। तो वो 86 इसके पहले 85 कोर्स हो चुके थे इस विश्वविद्यालय में, क्योंकि 1987 से ही यह चल रहा है और यह 86वां जो है वो आज शुरू हो रहा है। ये 8 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक आए हुए हैं,
जो ये कोर्स करेंगे और इनको पढ़ाने के लिए, इनको बताने के लिए बिहार और बिहार के बाहर के कई नामी गिनामी जो शिक्षक हैं जिनका काफ़ी अच्छा काम है शिक्षा के क्षेत्र में, वो लोग आएंगे और इनको पढ़ाएंगे और लगभग 50 प्रतिभागी हैं इसमें। और उसका आज उद्घाटन सत्र है जिसमें नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के भाई शास्त्र पद्मश्री डॉक्टर आर के सिन्हा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और अध्यक्षता हमारे जो कुलपति हैं प्रोफेसर अमरेंद्र नारायण यादव जी उनकी हो रही है। तो ये काफ़ी एक संस्थान का काफ़ी अच्छा उद्देश्य है कि कोई जब टीचर कहीं बन जाता है तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो समझे कि हम सब कुछ हो गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अहियापुर मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू नाइन्थ फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA Enterprises, अग्रोरिया बाजार, आम गोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल आईडी u.a.enterprises.muz@gmail.com। आर कॉन्टेक्ट नंबर R93349088 9239004630। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा,
जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड अचीव योर ड्रीम्स एट जीनियस क्लासेस। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 763-501-3378, 763-501-3387, 763-501-3396। Genius, नाम ही पहचान है। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर आर 7463-88-4603, 9006-877-392, 8539-85-777। बातें तो लोग भूल जाते हैं, पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, की रिंग स्टूडियो 3D, कैप प्रिंटिंग, स्कूल बैग प्रिंटिंग, लंच बॉक्स एंड टाइल्स प्रिंटिंग के साथ साथ परमानेंट टैटू और टेम्पररी टैटू, वो भी किसी भी प्रकार के, यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गिटार्स, वॉल प्रिंटिंग इन ऑल डिजाइंस, प्रिंटिंग ऑन एनी मटेरियल लाइक टी शर्ट, की रिंग, टाइल्स, मग प्रिंटिंग एंड ऑल वेरियस अदर मटेरियल्स। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, टैटू इन एंड प्रिंटिंग, महिला थाना नाका नंबर 4, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9546-355-553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। ब्रेक के
बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में स्वागत है। किसानों की समस्याओं के सवाल पर समाजवादी पार्टी राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर 27 सितंबर को धरना आंदोलन आयोजित करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी है। समाजवादी पार्टी 27 सितंबर को सभी जिलों में किसान मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट में धरना देगी। समाजवादी पार्टी साइकिल से किसान मार्च निकालेगी, जिससे पूरे जिले में घुमाया जाएगा। इसकी जानकारी सपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को प्रथम चरण में पटना के जेपी गोलंबर से राजभवन तक किसान आक्रोश मार्च निकाला गया था और राज्यपाल को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। वहीं दूसरे चरण के तहत महाधरना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों की समस्या, मालगुजारी में बेतहाशा वृद्धि आदि मामलों को रखा जाएगा। अंदर नहीं ले जाते, जबकि अभी रुपये का मूल्यन हो रहा है, कितना तेजी से आपको मालूम है, 71 रुपया हो गया एक डॉलर। कल आज़ादी के टाइम पे जब 40 करोड़ का देश था तो इसका तिगुना था, 1 रुपया का 3 रुपया होता था। तो वही गरीबी अब लौटा दे जो देश हमारा आज़ादी के समय में था, आज 71 रुपये चला गया। और यही मोदी जी 2014 में कहा था देश के सामने, ये रुपये का भाव जब गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा घटती है। अब तो हमको लगता है देश की प्रतिष्ठा का ध्यान प्रधानमंत्री जी को नहीं है, प्रधानमंत्री को चिंता है विदेश की प्रतिष्ठा का। क्योंकि आजकल काफ़ी मीडिया में भी आ रहा है कि विदेशों में मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। अब रुपये का मूल्यन हो रहा है लेकिन मोदी जी की प्रतिष्ठा व्यक्तिगत बढ़ रही है, ये अपने आप में अनुसंधान का विषय है। क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि रुपये जब गिरेगा तो देश की प्रतिष्ठा घटेगी। राष्ट्रीय नाई महासभा के सदस्यों ने मंगलवार को स्थानीय भगवानपुर चौक पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रीय नाई महासभा के सदस्यों ने मंगलवार को भगवानपुर गोलंबर पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी का मधुबनी जाने के क्रम में गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर और दीपक ठाकुर सहित अन्य सदस्यों ने उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। देखिए, आज हम लोग अभी संगठन के तमाम साथी राष्ट्रीय नाई महासभा एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के तमाम पदाधिकारी आज हम लोग मधुबनी में एक विशाल राष्ट्रीय नाई महासभा के तत्वावधान में संचालित हो रहा है। आज इसी तरह अभियान में मुजफ्फरपुर के तमाम हमारे क्रांतिकारी उपस्थित है, दीपक जी, संतोष जी हैं। मैं तमाम साथियों को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। एक जज्बा और जोश है हम लोगों का, जो मिशन है, संगठन का मिशन है, जो गरीबों के साथ जुल्म में हो रहा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और इस समाज को, नाई समाज को कब से लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का, राजनीति में हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक यह मसला डील नहीं हुआ है। भारत की सरकार यूँ बैठी हुई है, हमारे तमाम जो घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी अभी तक की, इसलिए हम अपने संगठन के ताकत के बल पर हम लोग सम्मेलन के माध्यम से अपनी मांगों को रखेंगे। समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम मोहम्मद सोहेल ने जिले के विकास योजनाओं की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने विकास की योजना के क्रियान्वयन को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिले में राशन कार्ड हेतु कुल 2,355 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें आधे आवेदनों का समापन हुआ। इसको लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण योजना में अपेक्षित प्रगति न होने पर उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए आवास गति में तेजी लाने का निर्देश दिया। 8वें दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहते हुए सरकारी एम्बुलेंस की रियलिटी का खुलासा किया। जिले में पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी संघ हड़ताल पर है। एम्बुलेंस चालकों की इस हड़ताल का खामियाजा जिले के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है।
जिले के सुदूर गांवों में अगर अचानक अभी कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। दरअसल एम्बुलेंस चालक संघ मुख्य रूप से बकाए वेतन की भुगतान तथा नियुक्ति पत्र निर्गत करने की मांग समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अब हम सदर अस्पताल की दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां लंबी लंबी कतार में एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हैं। इन गाड़ियों के भीतर की तस्वीर देखकर हम चकित रह गए। एम्बुलेंस में कई एक्सपायरी दवाएं रखी थी। इन सवालों को लेकर हमने एम्बुलेंस चालक से जब बात करने की कोशिश की तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। जितनी सरकारी एम्बुलेंस गाड़ियां हैं उसमें किसी में भी एसी नहीं काम कर रहा। इसके अलावा प्राथमिक उपचार की कोई सामग्री नहीं थी। लोग हड़ताल के 8वें दिन हो गया, हम लोग को अभी तक कंपनी के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया है। ये गाड़ी सब जितने भी मुजफ्फरपुर जिला के है जर्जर पड़ी हुई है। इसका हालत नाजुक है, न किसी गाड़ी में एसी सही रूप से काम कर रहा है, न सही गाड़ी में बीपी एस्टिमेट है, न किसी गाड़ी में आला है, न दवाई उपलब्ध कराता है। इस परिस्थिति में पेशेंट को ले जाना काफ़ी कठिनाई का सामना पड़ रहा है और हम लोग का जो है सो समय से वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम उग्र होकर धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग को बीमा भी नहीं है, जो कि हम दूसरे को जान की रक्षा करते हैं, एम्बुलेंस पर जान बचाने का काम करते हैं, मेरा जान चली जाती है, उस परिस्थिति में हमारा बीमा नहीं रहेगा तो मेरा क्या हाल होगा। इसलिए इस सब समय को देखते हुए हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर 7 सूत्री मांग को लेकर बैठे धरना पर है। अब तक कंपनी वाले कोई भी मुहैया नहीं कराए हैं, न कोई वार्ता किए हैं, न वेतन भेजे हैं। तो मरीज को जो भी ले जा रहा है जर्जर स्थिति में है तो अपने रिक्स पर ले जा रहे हैं आप? हाँ, अपने रिक्स पर ले जा रहे हैं। जबरन जो मरीजों से बात सुनना पड़ता है, कहीं कहीं झंझट का सामना करना पड़ता है। मेरा मुख्य मांग है कि जो हमारे जिला में जितने भी एम्बुलेंस जर्जर पड़ी हुई है उसकी सारे एम्बुलेंस की एजेंसी में काम हो और दुरुस्त हो, और सारे गाड़ी का हमारा एसी नहीं है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमारे एमटी भाई लोग अपने रिक्स पे, हम लोग ड्राइवर भाई सब लोग रिक्स पे गाड़ी को चला रहे हैं अपने ऊपर। हमारे जो कंट्रोलर अफसर हैं तपन जी एसईओ मुजफ्फरपुर जिले का, जो एजेंसी में नहीं काम करा के पूरे एक लीची बागान है 0 माइल में, वहाँ एक ट्रैक्टर मिस्त्री से सारे का काम करवाते हैं और बनता है बिल 5,000 का, तो बिल भेजते हैं कंपनी को 20,000 का। एम्बुलेंस के अंदर क्या व्यवस्था रहता है सो बताइए। एम्बुलेंस के ऊपर व्यवस्था रहना चाहिए, जो हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट दवाई होनी चाहिए, जो फर्स्ट एड का जो दवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, फर्स्ट एड का जो इंस्ट्रूमेंट टोटल होना चाहिए वो होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, वो सब कुछ व्यवस्था हमको टाइमली नहीं मिलती है। वहीं दूसरी ओर बिना ऑक्सीजन और मेडिकल किट के इस एम्बुलेंस में गंभीर यात्रियों को लाया जाता था। इसके अलावा एम्बुलेंस चालकों को प्राप्त तेल भी नहीं दिया जाता है। यही नहीं, अगर किसी एम्बुलेंस में खराबी हो जाती है तो बनवाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना होता है। इसके शिकायत के बावजूद अभी तक किसी ने इनकी नहीं सुनी है। कि मुजफ्फरपुर विगत 4 तारीख से हड़ताल पे गई है। मुख्य कारण है गाड़ी की जो है जर्जर स्थिति, मेडिसिन ऑक्सीजन गाड़ी में कुछ भी नहीं है, और जबरन कंपनी के तरफ से कहा जाता है कि आपको गाड़ी चलाना होगा नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। और इसके कारण जितने भी कर्मचारी हैं हटने के डर से और जर्जर गाड़ी को अपने जान पर खेल के और पेशेंट के जान के साथ में भी खिलवाड़ किया जा रहा है कंपनी के तरफ से। मेरा कहना यह है आप लोग के माध्यम से कि इसकी स्थिति आप लोग जायज माने ले चुके हैं, और इस चीज को सरकार के सामने आप रखिए कि मुजफ्फरपुर की गाड़ी ना ऑक्सीजन है सर, मेडिसिन एक्सपायर पड़ा हुआ है, इसके बाद गाड़ी की स्थिति जर्जर है, न गाड़ी में एक भी पेपर है, कभी भी कोई भी हादसा का शिकार हो सकती है। तेल पूरा मिलता है चालक? नहीं, तेल नहीं मिलता है। तेल माने 2,250 का मिलता है, उसमें 2-3 दिन चलाना है गाड़ी में। तेल खत्म हो जाता है फिर क्या करते हैं? फिर लगा देते हैं वहाँ पर हम लोग गाड़ी, बोलते हैं कभी कभी नेटवर्क नहीं रहता है तो बोलता है कि चलो ठीक है जहाँ पर है गाड़ी वहाँ छोड़ दो, जब नेटवर्क आएगा पैसा आएगा कार्ड पे इसके बाद में आप तेल ले लीजिएगा, हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं गाड़ी, बैठे रहते हैं। ये स्थिति में गाड़ी मुजफ्फरपुर की चल रही है, जिसके कारण हम लोग 4 तारीख को DM साहब को, सिविल सर्जन को और DPM साहब को सारी
सूचना और साथ हमारे जो सात सूत्री मांग है उसको हम लोगों ने सौंप दिया है, मगर सरकार के तरफ से न प्रशासन के तरफ से हम लोग की अभी तक कोई सूत न कोई बात सुनी जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि ये जीवन रक्षक एम्बुलेंस है जो मुजफ्फरपुर के पब्लिक को दिया जा रहा है, इसको अच्छी से अच्छी सेवा करके हमारे जिला को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। 14 सितंबर को जन अधिकार पार्टी की मुजफ्फरपुर में होने वाली पद यात्रा और सभा की तैयारी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर विचार विमर्श किया। 14 सितंबर को जन अधिकार पार्टी की मुजफ्फरपुर में होने वाली पदयात्रा सह सभा की तैयारी को लेकर जपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को चांदनी चौक स्थित एक होटल के सभागार में बैठक की। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद पप्पू यादव की होने वाली पदयात्रा को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी में लगने का आह्वान किया गया। आगामी 14 सितंबर को महेश भगत बनवारी इंटर कॉलेज में मुजफ्फरपुर से नारी बचाओ पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस यात्रा का प्रारंभ हम इंटर कॉलेज में एक भव्य आम सभा के साथ करेंगे। इस आम सभा को पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक एवं सांसद श्री राजेश रंजन पप्पू और पप्पू यादव भी संबोधित करेंगे, साथ ही पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेतागण, तमाम प्रांतीय नेतागण रहेंगे और उस रोज आम सभा के बाद हजारों हजार की संख्या में हम लोग पदयात्रियों के साथ पटना के लिए कूच करेंगे, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वैशाली जिला से होते हुए हम लोग पटना अगले रोज पहुंचेंगे। हम मुजफ्फरपुर के तमाम ऐसे लोगों से जो नारियों के सम्मान में आगे आना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिहार के तमाम नारियों की इज्जत और आबरू की रक्षा हो सके, उनसे अपील करते हैं कि 14 तारीख की जो बनवारी लाल इंटर कॉलेज में आम सभा है जनाधिकार पार्टी के द्वारा, इस आम सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें एवं इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाए ताकि बिहार में हर माँ बेटी की इज्जत और आबरू सुरक्षित रखने में हमारे पार्टी के द्वारा जो पहल की जा रही है, हमारे नेता पप्पू यादव के द्वारा जो पहल की जा रही है, इसको हम लोग सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। सकरा थाना के बिसुनपुर बखरी गांव में विनोद दास के परिवार के लोगों की झाड़ फूंक कर बेहोश कर देने वाले एक कथित तांत्रिक को ग्रामीणों ने मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। सकरा थाना क्षेत्र के बिसुनपुर बखरी गांव में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने एक ढोंगी तांत्रिक को पकड़कर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तांत्रिक गांव के ही विनोद दास के घर झाड़ फूंक करने आया था। तांत्रिक ने झाड़ फूंक के बहाने विनोद दास के पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिला दिया, इससे पूरा परिवार बेहोश हो गया। तांत्रिक कुछ कर पाता इससे पहले ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई। ग्रामीणों ने घर की घेराबंदी कर तांत्रिक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं विनोद दास के परिवार के 6 लोग नीलम देवी, सविता, शीला, पप्पू व अन्य लोग बेहोश हैं, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सारे नौ हो गया, बोले पूजा के समय तो वहाँ गए, नगर निपा गया, सारे सामान हम सामने रख दिए। उसके बाद बोले कि जो पूजा चालू हो गया तो बड़े भैया को बुलाए, तो उनका पहले देखे, उसके बाद बोले कि जो उनको देख लिए तो अंगूठी और वो पहले प्रसाद खिला दिए हाथ वाला, उसके बाद अंगूठी और रिश्ता भेज दिए, बोले घर आप चले जाओ, 2 घंटा अकेले सोना, दो बच्चे के पास नहीं है जाना। उसके बाद 21 बार ओम भगवती पढ़ना, उसके बाद जाके आप अगना घर में नहीं टहलना, उसके बाद जाके आप सो सकते। फिर सबको बारी बारी से प्रसाद खिला के भेज दिया, तो उसके बाद मम्मी को कुछ पूजा में बना के दिए, बोले कि घर के चारों कोर में गाड़ देना, एक हमको दिए बोले कि बीच में गाड़ देना, फिर हमको बोले कि जो तुम वापस नहीं आना, जो खाली तुम्हारी मम्मी आ रही है। फिर पीछे से पापा को कुछ हाथ में दिए, बोले कि जो मम्मी को खिला दो और चलेगा। भवानी हॉस्पिटल में कर्मचारी पंकज कुमार की हत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर छात्र रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। भवानी नर्सिंग होम में हुई पंकज हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर मंगलवार को आरएलएसपी के छात्र प्रकोष्ठ ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च शहर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकलकर सरैयागंज टावर पहुंचा, जहां सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि मारीपुर स्थित भवानी नर्सिंग होम में युवक पंकज कुमार की हत्या हुई, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छात्रों ने इस घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की।
इस दौरान छात्रों ने जिला प्रशासन व नर्सिंग होम के संचालक के खिलाफ नारेबाजी की। पहले जो है भवानी नर्सिंग होम जो मारीपुर में स्थित है, वहाँ पर जो है एक छात्र पंकज कुमार की हत्या कर दी गई थी। जो हत्या काफ़ी बेरहमी तरीके से अस्पताल के अंदर में किया गया था और इस कांड को जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है लिपापोती कर दिया गया है और न तो हॉस्पिटल को सील किया गया और न ही जो है वहाँ के स्थल की फॉरेंसिक जांच की गई और उल्टे जब उस गांव के लोग जब शांतिपूर्ण ढंग से न्याय की मांग कर रहे थे हाईवे पर सड़क जाम करके तो उन लोगों को जो है जबरन जो है केस में फंसा दिया गया। लगभग 800-850 लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पूरे गाँव में आक्रोश और भय का माहौल है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस कांड की जो है CBI जांच कराई जाए ताकि सही हत्यारों का जो है पता चल सके और पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिल सके और सही लोगों को पहचान कर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज के खबरों का सिलसिला होता है ये खत्म। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।